डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अप्लाइड केमिस्ट्री की यूनिट 11 पॉलीमर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी गूगल फॉर्म द्वारा। और ये जो गूगल फॉर्म है, इसका लिंक हम इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, ताकि आप भी उस पर प्रैक्टिस कर सकें। तो ये हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 4 खुल गया, और ये पॉलीमर जो यूनिट नंबर 11 बहुलक पे बेस्ड है, और इसमें हम ये एंट्रीज कंप्लीट कर देते हैं। ये हमने जीपीसी ईयर फर्स्ट ईयर डाल दिया, राइट। ब्रांच हमने एमए डाल दी, नेक्स्ट। अब ये हमारा टेस्ट ओपन हो गया, इसमें ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको करेंगे और इन्हें साथ में डिस्कस भी करते हुए जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर? ये जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बहुलक प्राकृतिक है, नेचुरली मिलता है हमें? तो पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड, ये एक आर्टिफिशियल बहुलक है, सिंथेटिक बहुलक है। पॉलीथीन भी सिंथेटिक है, और बैकेलाइट ये भी सिंथेटिक बहुलक है। सेल्युलोज जो है, ये एक नेचुरल पॉलीमर है। ये ग्लूकोज की जो यूनिट हैं, वो इसके लिए मोनोमर होती हैं। तो ग्लूकोज की यूनिट, बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट जुड़ के सेल्युलोज बनाती हैं, और ये प्लांट्स में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, यही हमारा प्राकृतिक बहुलक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से योगात्मक बहुलक का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर? किन में से एडिशन पॉलीमर कौन सा है? तो एडिशन पॉलीमर में सिर्फ वन यूनिट है, वो आपस में जुड़ती हैं, और जो भी मोनोमर यूनिट होती हैं, वो अनसेचुरेटेड होती हैं। उसमें या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। दूसरा है टेरिलीन, टेरिलीन में दो मोनोमर यूनिट होती हैं, और जो कि कंडेंसेशन द्वारा आपस में जुड़ती हैं। नाइलॉन में भी दो मोनोमर यूनिट होती हैं, जो कंडेंसेशन संघनन द्वारा जुड़ती हैं, और बैकेलाइट भी एक संघनन बहुलक का उदाहरण है। तो इनमें से जो एडिशन योगात्मक बहुलक का उदाहरण है, वो टेफ्लॉन है, जिसकी मोनोमर यूनिट में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और जो पॉलीमर बनते वक्त सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एडिशन पॉलीमर का उदाहरण है, और इसमें सिर्फ एक ही मोनोमर यूनिट होती है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, राइट। नेक्स्ट है, बेकेलाइट की एकलक इकाई है कि बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट कौन कौन सी हैं? तो बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड होती हैं, जो मैंने अपने पॉलीमर का जो वीडियो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने बैकेलेट की सिंथेसिस को बताया है, और उसमें मोनोमर यूनिट फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड है, जो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन से बैकेलाइट बनता है। तो बैकेलाइट एक कंडेंसेशन पॉलीमर का उदाहरण है, और इसकी मोनोमर यूनिट है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबड़। नेचुरल रबड़ की मोनोमर यूनिट क्या है? प्राकृतिक रबड़ की मोनोमर यूनिट आइसोप्रीन होती है, 2-methyl-1,3-butadiene जो है, वो इसकी मोनोमर यूनिट होती है, जिसको हम आइसोप्रीन बोलते हैं। और ये आइसोप्रीन यूनिट नेचुरल रबड़ में सिस फॉर्म में जुड़ी रहती है, मतलब सबका जो सब एक ही उसमें विन्यास में जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको सिस फॉर्म कहते हैं, और आइसोप्रीन इसकी नेचुरल रबड़ की मोनोमर यूनिट है। नेक्स्ट है, बूनायन की एकलक इकाइयाँ क्या है, मोनोमर यूनिट ऑफ बूनायन? तो बूनायन, बूनायस, ये दोनों सिंथेटिक रबड़ हैं। बूनायन में एक मोनोमर यूनिट 1,3-butadiene और दूसरी एक्रिलोनाइट्राइल होती है, जबकि जो बूनायस है, उसमें 1,3-butadiene और स्टाइरीन होता है। हमसे पूछा गया है बूनायन की एकलक इकाइयाँ हैं, तो बूनायन एन की एकलक इकाइयाँ हैं 1,3-butadiene और एक्रिलोनाइट्राइल। ये 1,3 और ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल का
कोपोलीमर है और एक योगात्मक बहुलक का उदाहरण है। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। इसकी जो दोनों मोनोमर यूनिट है वो अनसेचुरेटेड है, इनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए ये योगात्मक बहुलक के उदाहरण है और एक सह बहुलक है कोपोलीमर। ऐसा योगात्मक बहुलक जिसमें दो मोनोमर होते हैं वो सह बहुलक होता है। तो बुनाइन की मोनोमर यूनिट ये हो गई। एग्जाम्पल ऑफ कोपोलीमर सह बहुलक का उदाहरण है। बुनाइन सह बहुलक का उदाहरण है क्योंकि इसमें दो मोनोमर यूनिट होती हैं और ये एडिशन पॉलीमर है। ऐसे ही बुनाइस में भी दो मोनोमर यूनिट है, ये भी एडिशन पॉलीमर है और इसलिए ये सह बहुलक है। और ब्यूटाइल रबड़ में भी दो मोनोमर यूनिट है और ये भी एडिशन पॉलीमर है, तो ये सह बहुलक है। तो ये तीनों सह बहुलक के उदाहरण है। तो इसका आंसर हो गया ऑल, राइट। नेक्स्ट है आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोप्रीन बोथ आर द मोनोमर यूनिट ऑफ फॉलोइंग। तो बुनाइन की मोनोमर यूनिट होती है 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। बुनाइस की मोनोमर यूनिट होती है 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट 1,3-ब्यूटाडाइन क्लोरोप्रीन होती है। जो क्लोरोप्रीन है वो नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट होती है। ब्यूटाइल रबड़ में आइसोब्यूटाइलिन व आइसोप्रीन ये दोनों इसके मोनोमर यूनिट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ब्यूटाइल रबड़, राइट। निम्न में से कौन सा जैव अपघटित बहुलक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, मतलब जिनका जीवाणु द्वारा अपघटन हो जाए ऐसा पॉलीमर कौन सा है? तो हम जानते हैं कि जो भी नेचुरल पॉलीमर हैं वो सब जैव अपघटित बहुलक है, इनका जीवाणु द्वारा अपघटन हो जाता है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है क्योंकि ये नेचुरल पॉलीमर है। और PHBB एक ऐसा सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि जैव अपघटित होता है और इसको हम कैप्सूल की जो कोटिंग होती है उसमें यूज़ में लेते हैं और वो इसीलिए लेते हैं कि ये अपघटित हो जाती है। तो ये तीनों जैव अपघटित बहुलक के उदाहरण है। तो इसका आंसर हो गया ऑल सभी। नेक्स्ट है गट्टा पर्चा रबड़ है। गट्टा पर्चा रबड़ नेचुरल रबड़ की तरह है, दोनों में नेचुरल रबड़ में भी और गट्टा पर्चा में दोनों की मोनोमर यूनिट आइसोप्रीन है। तो एक तरीके से दोनों पॉली आइसोप्रीन है, पर नेचुरल रबड़ में ये सिस फॉर्म में जुड़ी रहती है आइसोप्रीन यूनिट, तो वो सिस पॉली आइसोप्रीन है। और गट्टा पर्चा में ये यूनिट ना ट्रांसफॉर्म में जुड़ी हुई है, तो ये ट्रांस पॉली आइसोप्रीन है। तो गट्टा पर्चा है ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, मतलब नेचुरल रबड़ का ट्रांसफॉर्म है गट्टा पर्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज होमोपॉलीमर, निम्न में से कौन सा समबहुलक है? समबहुलक में मतलब सारी मोनोमर यूनिट एक ही तरीके की होती हैं, एक ही प्रकार की होती है और वो एडिशन पॉलीमर होता है। तो पॉलीथीन में एक ही मोनोमर होता है एथीन, राइट। तो और ये एडिशन पॉलीमर है तो ये समबहुलक है। PVC में भी एक ही मोनोमर यूनिट है विनाइल क्लोराइड और ये एडिशन पॉलीमर है, तो ये भी समबहुलक है। टेफ्लोन भी एक योगात्म बहुलक है और इसमें भी एक ही एकलक इकाई है। तो जहाँ भी एकलक इकाई सिर्फ एक होती है और योगात्मक बहुलक होते हैं तो वो समबहुलक के उदाहरण है। तो ये तीनों समबहुलक है, राइट। इसको हम क्लिक कर देते हैं और ये हमारा प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट हो गया। हम इसको सबमिट कर देते हैं। हाँ, इसमें हमने आंसर क्लिक नहीं किया था, इसका हम आंसर क्लिक कर देते हैं ऑल, राइट। क्योंकि इसमें जहाँ भी स्टार है तो मतलब वो हमें अटेम्प्ट करना ज़रूरी है और इसको हमने टिक नहीं किया था, इसलिए हमारे पास नोट आ गया। अब हमने इसको टिक कर दिया। ये तीनों सह बहुलक के उदाहरण हैं, इस पर टिक कर दिया हमने और ये सभी हमारे टिक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, राइट। अब हम सबमिट करते हैं। अब हम अपना स्कोर देख लेते हैं। तो 10 में से 10 है, राइट। और ये हम एक बार अपने पेपर को देख लेते हैं।
हमारे सभी आंसर करेक्ट है। प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज है, योगात्मक बहुलक का उदाहरण टेफ्लोन है, बेकेलाइट में फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड मोनोमर यूनिट होती हैं, नेचुरल रबड़ की मोनोमर यूनिट आइसोप्रीन होती है, बूनाइन की मोनोमर यूनिट 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल होता है, सह बहुलक का उदाहरण बूनाइन बूनाइस ब्यूटाइल रबड़, ये तीनों सह बहुलक के उदाहरण हैं, और ब्यूटाइल रबड़ की मोनोमर यूनिट आइसोब्यूटाइलिन व आइसोप्रीन होती हैं, और जैव अपघटित बहुलक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पीएच बीवी, ये तीनों जैव अपघटित बहुलक हैं। गट्टा पर्चा ट्रांसपोली आइसोप्रीन होता है, और होमोपोलीमर में ये तीनों होमोपोलीमर के उदाहरण हैं, पॉलीथीन पीवीसी और टेफ्लॉन। तो ये हमारा पेपर हो गया, प्रैक्टिस टेस्ट 4 कंप्लीट हो गया, और इसका लिंक हम इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो आप भी इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना स्कोर देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं 5, ये भी हमारा बहुलक पर ही बेस्ड है, इसी यूनिट का है, इसकी भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारा पेपर ओपन हो गया। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे है, रिक्वायर्ड, जहाँ भी ये रिक्वायर्ड है, ये मतलब करना, अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, अगर हम ये अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो ये हमारा सबमिट नहीं होगा और हमारे पास नोट आएगा, इसलिए हमें सबमिशन से पहले अटेम्प्ट करना, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। निम्न में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण से बनता है, संघनन बहुलकीकरण का उदाहरण कौन सा है? तो टेफ्लॉन हम पढ़ चुके हैं पिछले प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में भी, और मेरे वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया है, टेफ्लॉन एक योगात्मक बहुलक है, रबड़ है ये भी योगात्मक बहुलक है, राइट, बुनाइस बुनाइन ब्यूटाइल रबड़ ये भी योगात्मक बहुलक है, नायलोन 66 है ये एक संघनन बहुलक का उदाहरण है, इसमें 2 मोनोमर यूनिट होती हैं, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, उनके बीच संघनन होता है, और एक साइड प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल या एमीन इसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो इसका आंसर हो गया नायलोन 66, ये संघनन बहुलक है। नायलोन 66 बनाने में निम्न का उपयोग होता है, मतलब इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, किसका उपयोग करते हैं? तो इसकी मोनोमर यूनिट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, थैलिक एसिड भी नहीं है, एथिनोइक एसिड भी नहीं है, इसकी मोनोमर यूनिट है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। यहाँ पे एडिपिक एसिड है, इसमें भी 6 कार्बन एटम होते हैं और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन में भी 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसका नाम 66 पड़ा, और यही इसकी मोनोमर यूनिट है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। नॉनस्टिक बर्तन को बनाने के लिए निम्न बहुलक का उपयोग होता है, जो हम नॉनस्टिक बर्तन यूज़ में लेते हैं, तो उसकी जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वो भी एक प्लास्टिक होता है, एक पॉलीमर होता है, सिंथेटिक पॉलीमर, और वो पॉलीमर है टेफ्लॉन। तो जो टेफ्लॉन का यूज है हम नॉनस्टिक बर्तन बनाने की कोटिंग में करते हैं, और पॉलीथीन, तो पॉलीथीन बैग, बेकेलाइट, स्विच बोर्ड वगैरह बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर है टेफ्लॉन। इन वल्केनाइजेशन रो रबड़ इज हीटेड विद, वल्कनीकरण में रबड़ को निम्न के साथ गर्म किया जाता है, फॉस्फोरस के साथ हम गर्म नहीं करते, फ्लोरीन के साथ भी गर्म नहीं करते, सोडियम के साथ भी गर्म नहीं करते, रबड़ के वल्कनीकरण में हम रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिससे सल्फर रबड़ की जो सीधी चेन श्रृंखलाएँ हैं उनके बीच क्रॉस लिंक बना लेता है और रबड़ के गुणों में इम्प्रूवमेंट कर देता है। तो वल्कनीकृत रबड़ को हम सल्फर के साथ गर्म करते हैं, और सल्फर यहाँ पे क्रॉस लिंक का काम करता है, राइट। नेक्स्ट है, बिजली के स्विच बनाने में निम्न का उपयोग होता है, बिजली के स्विच बनाने में बेकेलाइट बहुलक का एक स्पेसिफिक उपयोग इसका यही है, बेकेलाइट का, कि ये बिजली के स्विच बोर्ड बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है। टेफ्लॉन का नॉनस्टिक बर्तन के कोटिंग बनाने में किया जाता है, पीवीसी का पाइप बनाने में किया जाता है, वल्केनाइज रबड़ का उपयोग टायर बनाने में किया जाता है। तो यहाँ बिजली के स्विच में हम बेकेलाइट का उपयोग करते हैं, ये हमने राइट मार्क कर दिया। नेक्स्ट है, टेरिलीन या डेक्रॉन बनाने में निम्न एकलक का उपयोग होता है,
टेरिलिन और डेक्लोन ये दोनों संघनन एक ही प्रोडक्ट के नाम है, और ये दोनों मतलब ये संघनन बहुलक का उदाहरण है, और इसमें दो मोनोमर यूनिट होती हैं, एक एथिलीन ग्लाइकोल होता है, दूसरा टर्थेलिक एसिड होता है। इन दोनों का जब हम कंडेंसेशन करवाते हैं तो टेरिलिन डेक्लोन बनता है, और जब इनका कंडेंसेशन होता है तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एस्टर लिंकेज बन जाता है, और इसका उपयोग हम फैब्रिक में करते हैं। तो इसका इसकी एक अलग इकाई हो गई एथिलीन और टर्थेलिक एसिड दोनों, तो हम यहाँ बोथ पे क्लिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट है नायलोन नहीं है, नायलोन तो एक संघनन बहुलक है क्योंकि इसमें दो मोनोमर यूनिट हैं, हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन और एडीपिक एसिड, उन दोनों के बीच संघनन होता है। नायलोन एक पॉलीएमाइड है, हाँ, जब हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन और एडीपिक एसिड के बीच संघनन होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और एमाइड लिंकेज बनते हैं। इस तरीके से नायलोन में बहुत सारे एमाइड लिंकेज बन जाते हैं, इसलिए ये पॉलीएमाइड भी है, राइट। और नायलोन में दो यूनिट हैं इसलिए ये कोपोलीमर भी है, ये समबहुलक नहीं है, समबहुलक में सिर्फ एक मोनोमर यूनिट होती है। तो इसका आंसर ये हो गया। नायलोन थ्रेड आर मेड अप ऑफ, नायलोन का धागा बना होता है, पॉलीएमाइड का बना होता है, इसमें एमाइड लिंकेज बनते हैं बहुत सारे, इसलिए पॉलीएमाइड का बना होता है। और जो टेरिलिन का धागा है वो पॉलिएस्टर का बना होता है। तो ये टेरिलिन और नायलोन में ये बेसिक डिफरेंस है, नायलोन का धागा पॉलीएमाइड पॉलीमर है और टेरिलिन जो डेक्रोन है उसका धागा पॉलीएस्टर पॉलीमर है। तो इसका राइट आंसर हुआ नायलोन का धागा एक पॉलीएमाइड बहुलक है क्योंकि इनमें बहुत सारे एमाइड लिंकेज बनते हैं। निम्न में से कौन एस्टर बंद रखता है, नायलोन नहीं, नायलोन एमाइड लिंकेज रखता है, बेकेलाइट भी नहीं रखता, पीवीसी भी नहीं, पीवीसी तो एडिशन पॉलीमर होता है, इसमें संघनन ही नहीं होता है, तो एस्टर लिंकेज होता है टेरिलिन, इसका दूसरा नाम डेक्रोन भी है। नेक्स्ट है क्रॉस बंद में त्रिमीय अणु बनाते हैं, क्रॉस बंद से त्रिमीय अणु मतलब किसकी स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल होती है और क्रॉस लिंकेज होती है, ये होती है तापदृढ़ प्लास्टिक की, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, जिनको हम गर्म करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है तापदृढ़ प्लास्टिक, राइट। ताप सुनम में जो प्लास्टिक होता है वो लीनियर लीनियर अणु होते हैं और तापदृढ़ त्रिमीय अणु होते हैं। तो इस प्रैक्टिस टेस्ट को ये कंप्लीट हो गया और इसको हम सबमिट कर देते हैं। अब हम अपना स्कोर देख लेते हैं, आप भी इस तरीके से अगर करेंगे तो अपना स्कोर देख सकते हैं। ये हमारे 10 में से 10 है, इसका मतलब हमारे सभी आंसर करेक्ट हैं। संघनन बहुलक नायलोन 66, नायलोन 66 के लिए एडीपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन का उपयोग होता है, और नॉन स्टिक बर्तन के लिए टेफ्लोन का उपयोग करते हैं, वल्केनाइजेशन के लिए हम सल्फर का उपयोग करते हैं, बिजली स्विच बनाने में हम बेकेलाइट का उपयोग करते हैं, टेरिलिन व डेक्रोन बनाने के लिए हम एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड का उपयोग करते हैं, नायलोन संघनन बहुलक है, कोपोलीमर है, पॉलीएमाइड है पर सम बहुलक नहीं है, नायलोन का धागा बना होता है पॉलीएमाइड का बना होता है, ये टेरिलिन है, एस्टर लिंकेज जो रखता है, और त्रिमीय अणु थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पॉलीमर वाले चैप्टर के बहुलक के दोनों प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट हो गए, और आप भी ये प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक हम लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ओपन करके ये प्रैक्टिस टेस्ट करना और सबमिट करोगे तब आपको करेक्ट आंसर भी पता चल जाएंगे। धन्यवाद। तो ये लेक्चर आज का हमारा कंप्लीट हो गया, थैंक यू।